दोस्तों देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें ANT नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT। हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत में योग गुरु बाबा रामदेव को आगामी 22 अक्टूबर को अपनी अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया। अदालत ने बाबा रामदेव का यह नोटिस शिकायतकर्ता अधिवक्ता रजत कलसन की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया। शिकायतकर्ता एवं एक दलित राइट्स एक्टिविस्ट एडवोकेट रजत कलसन ने बताया कि गत 26 अप्रैल 2014 को बाबा रामदेव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलितों के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हमने एक रिवीजन पिटीशन बाबा रामदेव के खिलाफ हिसार के सेशन कोर्ट में फाइल की थी और हमारी रिवीजन पर एडिशनल सेशन जज राजकुमार जैन जी ने एक नोटिस इशू किया है बाबा रामदेव को और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं नोटिस में कि 22 अक्टूबर को बाबा रामदेव कोर्ट में पेश हों और अपना पक्ष रखें। ये रिवीजन पिटीशन हमने इसलिए फाइल की थी क्योंकि बाबा रामदेव ने 25 अप्रैल 2014 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने दलितों के प्रति कुछ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी जो हैं वो दलितों के घरों पर जो खाना खाने के लिए जाते हैं वो एक्चुअली दलितों के घर में पिकनिक मनाने के लिए और हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। तो इस बारे में उसी समय नेक्स्ट डे 26 अप्रैल को हमने पुलिस में कंप्लेंट की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की। फिर हमने हांसी के इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल किया था। वो कंप्लेंट केस पीछे 24 जुलाई 2018 को इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके अपील और रिवीजन में हम यहाँ पर बाबा रामदेव के खिलाफ रिवीजन हमने फाइल की है, जिस पर ये नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस पर बाबा रामदेव को 22 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है और वो इस तारीख पे पेश होंगे या अपने वकील के थ्रू पेश होंगे और हमको पूरी उम्मीद है कि हमने 4 साल लंबी जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई हमारी रंग लाएगी और बाबा रामदेव को इस मामले में तलब भी किया जाएगा और आगे जो केस चलेगा उसमें इसको दोषी भी ठहराया जाएगा और हमको अपनी जुडिशरी पे, न्यायपालिका पे पूरी उम्मीद है कि वो इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। हिसार से ANT नेशनल के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। अब आपका ANT नेशनल आ गया है नए अंदाज में, खबर वही जो हो सही।